मार्स पर कॉलोनाइजेशन के लिए लैंडर्स और रोवर्स भेजे जा चुके हैं। ये लैंडर्स और रोवर्स मार्स पर जिंदगी गुजारने की जरूरत ढूंढेंगे, क्योंकि मार्स का टेम्परेचर जमीन से बहुत ही कम है। मार्स पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी की किल्लत भी है। पानी की किल्लत को पूरा करने के लिए वहाँ बर्फ को पिघलाया जाएगा। इसके साथ साथ वहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं है। ऑक्सीजन के लिए SpaceX के मालिक एलोन मस्क जमीन से खासकर पोटैटोज और पीज के पौधे भेजेगा। ये पौधे वहाँ पर एक कॉलोनी के अंदर नस्ब किए जाएंगे, जो ऑक्सीजन पैदा करने में मदद देंगे। एलोन मस्क 2026 में एक छोटा ग्रुप मार्स पर भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, और ये टीम वहाँ पर 1 मिलियन लोगों के लिए एक कॉलोनी बनाएंगे। ये टीम वहाँ पर 2 साल तक काम करेंगे, और उसकी मदद के लिए अभी से लैंडर्स और रोवर्स भेजे जा चुके हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स और तैयारियाँ कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, आपको वेलकम करता हूँ नई वीडियो के साथ। ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो अब नासा और एलोन मस्क मिलकर कर रहे हैं। देखने वालों, इस मिशन पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि जमीन के अलावा भी कोई जगह या प्लेनेट हो जिस पर जिंदगी गुजारी जा सके, क्योंकि जमीन अपनी जिंदगी पूरी कर रही है, वो टेम्परेचर बढ़ने की शक्ल में हो या कुदरत के और वसायल की कमी की शक्ल में। ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है जो एक छोटी वीडियो में वाजह नहीं किया जा सकता, जो एक और वीडियो बनेगी, जिसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर चाइना के सूरज के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।